मेरा नाम अलीशा जैनब है और मैंने जो किताब लिखी है उसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। ये मैंने किताब स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए लिखी है जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं एग्ज़ाम्स टाइम पे, दे एक्चुअली स्ट्रेस अ लॉट। और ये किताब पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 से स्टार्ट किया था स्पीचेस देना और परीक्षा पे चर्चा, और आज 2024 भी चल रहा है। एंड आई होप कि जो भी पढ़ेंगे किताब दे विल एक्चुअली रियलाइज दैट एग्ज़ाम इज़ नॉट स्ट्रेसफुल एंड इट कैन बी हैप्पी ओनली। अलीशा, आपको कहाँ से वो मिला सूत्र और सोर्स कि आपको ये किताब लिखना चाहिए? एक्चुअली मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत नोटिस किया कि वे एक्चुअली स्ट्रेस अलॉट ड्यूर एग्ज़ाम्स। और मुझे ये भी पूरा भरोसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं स्ट्रेस, कोई सा भी वो एग्ज़ाम हो, वो नॉर्मल क्लास टेस्ट हो या कोई MBBS का नीट एग्ज़ाम हो। एंड आई थिंक कि ये बुक बहुत ही अच्छी है और सबको पढ़नी चाहिए जस्ट टू क्लाइम देमसेल्फ ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम कोई प्रेशर नहीं है, दे आर जस्ट स्मॉल टेस्ट दैट वी आर गिविंग। तो आप ये किताब कैसे प्रेशर को रिलीज करती है, उसके बारे में कुछ मंत्र कर बताएं तो? ये किताब मैंने एक वेबसाइट से जो परीक्षा पे चर्चा जो 2018 से नरेंद्र मोदी जी ने देना स्टार्ट किया है, वहाँ से मैंने ये किताब को जो भी पूरा उनका था नरेंद्र मोदी वेबसाइट पे मैंने जाकर उन ये पूरी जो भी स्पीच है आपको भी मिल जाएगी वहाँ पे, अगर आप जाएंगे तो। मैंने कुछ कुछ पार्ट उसमें से निकाला है, अपने पापा को बोला कि मुझे ये सब बनाना है एंड ही एक्चुअली हेल्प मी। और मुझे मैंने अपने फ्रेंड्स की भी बहुत सारी हेल्प ली है इसमें और ये बहुत ही अच्छी बुक है। कैसे स्ट्रेस को रिलीज कैसे करते हैं, इसके बारे में अगर कुछ बताएं? इंटरेस्ट तो अब बुक पढ़ेंगे तभी स्ट्रेस में तो अब एग्ज़ाम के टाइम सबको स्ट्रेस होता है। और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें कुछ स्मॉल आइडियाज़ दिए हैं जो हमें हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में कम स्ट्रेस करने से, वो आप बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बुक दिखा करके दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी ज़रूर, ये है परीक्षा पे चर्चा बुक और ये बहुत मोटी बुक है। अगर आप पूरी पढ़ना कोशिश करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, इट विल रियली हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स टाइम्स।